पुष्पेंद्र जी शास्त्री एवं उनके सभी संगीत कलाकार और इधर विराजमान संत भगवानों को मैं तय से नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। तथा पांडाल विराजमान सभी भक्तमयी माताओं को मेरा चरण वंदन अभिवादन और सभी श्रोता विद्वानों को मेरा चरण वंदन स्वीकार हो। जैसा कि शास्त्री के आदेश के मुताबिक मैं आपके बीच में थोड़ी बाधा करने को आ गया हूं, क्षमा करना। जैसा मैंने नाम सुना था शास्त्री का, मैंने नहीं देखे, हल्ला हो रहा था कि भैया चित्रपुर के शास्त्री है पुष्पेंद्र जी, गांव का नाम है चित्रपुर, जिन्होंने अपनी अमृतमयी बाणी से सभी जनता का चित्त को चुरा लिया है, चित्त अपनी ओर कर लिया है, स्वर्ग के सम्राट है शास्त्री पुष्पेंद्र जी। एक बार 14 तारीख मेरी शास्त्री के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय श्रोताओं, परम सौभाग्य आप सबका, धन्य भारत वर्ष ऐसा, धन्य भारत संस्कृति, आप लोग धन्य है, ये मेरा भारत वर्ष धन्य है, धन्य है भारत वर्ष ऐसा, धन्य भारत संस्कृति और भारतीय जना धन्य, अरे धन्य अस्माकं परंपरा, मेरे देश की ये परंपरा है। जगह जगह भागवत कथा हो रही है, गांव गांव में सत्संग हो रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, संतों का संग मिल रहा है, वो जगह धन्य होती है जहाँ सत्संग होता है, वो समय धन्य होता है जब ये आख्यान प्रवचन सुनने को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहूंगा कि आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि आप सबका दर्शन मुझे मिल रहा है, संतों का दर्शन मिल रहा है। आदरणीय श्रोताओं, हमें भले काम के लिए प्रयास करना चाहिए, भले काम की नकल करनी चाहिए, नकल करते करते वो एक दिन असली स्थान पर पहुंच सकता है। कहना, एक राजा था, उसके नगर में तालाब नहीं था। राजा ने आदेश किया कि मेरे नगर में एक सुंदर तालाब बन जाए। आदेश के मुताबिक तालाब बन गया। अच्छा, तो अब इसमें पानी छोड़ दिया जाए। पानी छोड़ दिया गया, मेरे तालाब में मछली पालन होगा, मछलियां डाल दी गई। आदेश है, हमारे तालाब से कोई मछली नहीं पकड़ेगा। आदरणीय श्रोताओं, उस नगर में बहुत से शिकारी भी थे। एक शिकारी बहुत चालाक था, उसने कहा हम बाहर मछली पकड़ते हैं, आज तो रया के इस तालाब से मछली पकड़ेंगे, दिन में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि वहां पहरा है तो रात में आऊंगा। 11:30 बजे वह शिकारी अपना चाल लेकर चल दिया तालाब की ओर और चाल डाल दिया पानी में, मछली पकड़ने की जुगाड़ बनाने लगा। हुआ क्या मेरे भाइयों, रात के ठीक 11:30 बजे राजा जगा अपने बेड पर, सोचा कि मैंने दिन में तो देखा है मेरा नगर व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन आज मैं रात में जाकर चेक करूंगा मेरी व्यवस्था कैसी है। आया, घोड़े पर सवार हुआ और निकल दिया, पूरा नगर देखता है, आगे बढ़ गया जहां पर वो शिकारी मछली पकड़ने की योजना बना रहा था। जैसे आवाज हुई घोड़ा की, डर गया, लगता है दरोगा जी आ गए, अब क्या करूं, पकड़ा जाऊंगा।
जाल तो छोड़ दिया और उसके पास भी एक ऐसा पीला सा अंगोछा था। भाइयों, उसने वह जाल छोड़ दिया और अंगोछा ओढ़ के बैठ गया और फर्जी भजन करने लगा। नकल कैसे भैया? क्या बोलो श्री राम जय राम जय जय पहुंचा, देखा मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, रात के ठीक 12 बज रहे हैं और मेरे नगर में ऐसे भी साधक हैं, संत हैं, जो मेरा भजन करते हैं रात में भगवान का, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। राजा उतरा घोड़े से और जाकर के शिकारी के चरणों में वंदन किया, साष्टांग प्रणाम किया। शिकारी देख रहा था दरोगा जी नहीं है, ये तो नगर का सम्राट है। वह अपनी धुन में लगा रहा, बोलो श्री राम जय जय राम बोलता। हुआ क्या, राजा प्रणाम करके लौट गया। अब महाराज जी, अब उस शिकारी को भी ज्ञान हो गया, मैंने थोड़ी देर भगवान का भजन नहीं किया है, नकल की है नकल। और इतने में नगर का सम्राट मेरे चरणों में वंदन करता है। अगर वास्तव में मैं भजन कर रहा होता तो मेरा कल्याण होता। आज शिकारी ने वह चाल छोड़ दिया और एमाल छोड़ दिया और जंगल को साधु बनकर चला गया। बोलो संत समाज की जय। ये तो मेरा एक दृष्टांत है मेरे भैया, कहना यही है हमें अच्छे काम की नकल और करनी चाहिए। कहना अगर आप चाहें तो एक दो गीत लान के बोल लेता हूँ। बढ़िया मौका है ना, मजा कर ले बेटा। हेलो, इस कथा के यज्ञपति महाराज एवं वरिष्ठ महाराज, बड़ा ही सुंदर समय है आपके जीवन का, तो मैं इन साथियों का अपने टूटे फूटे शब्दों से स्वागत करता हूँ बेटा। कि स्वागत है श्री मान आपका, स्वागत है श्री मान Yeah.
बाड़ी तेरा